हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स विद प्रिया में। फ्रेंड्स, एबॉर्शन के बाद जो लेडीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, होता ये है कि लेडीज़ों के जो बॉडी होती है उनमें चेंजमेंट होता ही रहता है, उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिरकार महिलाओं में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और उनको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए और वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकती हैं, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती हैं। क्योंकि एबॉर्शन जब होता है या फिर मिसकैरेज होता है जब लेडीज़ों का, तो वो बॉडी से तो वीक हो ही जाती हैं, साथ साथ मेंटली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको मेंटली भी प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनका मिसकैरेज हुआ है तो उनको टेंशन होती है नेक्स्ट बेबी की कि अब मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, आगे क्या होगा, कहीं फिर से ये ऐसा मेरे साथ ना हो। तो इस तरीके की काफ़ी सारी उनके माइंड में ऐसी सिचुएशन चलती रहती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मिसकैरेज के बाद में आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप फिर से माँ बन सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि नहीं मिसकैरेज हो गया है अब प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा आपके साथ में हो सकता है। तो आप अपना ख्याल रखिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब प्रेगनेंसी हो तो वो सेफ़ रहे और आपका बेबी भी सेफ़ रहे। आप जब मिसकैरेज होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है और जिस वजह से जो लेडीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। क्योंकि मिसकैरेज के बाद में ना कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक कई लेडीज़ों को ब्लीडिंग आ सकती है और इतनी ब्लीडिंग होने के बाद में तो बॉडी वीक होना एक मामूली सी बात है। कभी कभी जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना तो पेट में पेन भी होने लगता है। होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा गर्भाशय होता है वो ना बच्चे के आने के बाद में थोड़ा सा बढ़ जाता है और जब मिसकैरेज हो जाता है इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो गर्भाशय होता है वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप में आता है। तो महिलाओं को पेट में दर्द होना मामूली सी बात है, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता है और जो ब्लीडिंग होती है उसमें थक्के थक्के टाइप के ब्लड के साथ में निकलते भी हैं, इस वजह से उनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में उनको गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगी ना तो जो गंदा ब्लड होगा ये बहुत जल्दी निकल हो जाएगा और उनकी जो बॉडी होगी वो रिकवर होने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से की सिकाई भी करनी चाहिए, इससे आपके पेट में अगर दर्द हो रहा होगा तो आराम मिलेगा और गर्भपात के बाद में जो गर्भाशय होता है उसको भी आराम मिलता है अगर आप पेट के निचले हिस्से की सिकाई करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका मिसकैरेज हो गया है और अभी तक आपने अपने डॉक्टर को नहीं कंसल्ट किया है तो प्लीज़ जाइए, पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपको रिकवर होने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे और उससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद में कई लेडीज़ों को देखा गया है कि उन्हें वर्जाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस खतरे से बचे रहिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्जाइना को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना है। और साफ़ कैसे करना है, नॉर्मल तो आप साफ़ करिए ही करिए और दिन में 2 से 3 बार आप गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से उसको साफ़ करिए ताकि जो भी छोटे मोटे कीटाणु अगर हो तो वो निकल जाएं, गर्म पानी से सब साफ़ हो जाएं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बॉडी इसी से रिकवर होगी। आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो नेक्स्ट बेबी प्लान करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
इसलिए आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होने के लिए आपकी डाइट में आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स हैं और जो गर्म चीज़ें हैं वो लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो अपनी डाइट में शामिल करिए। ऐसे में ना पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में, तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके लिए हमें खाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छी चीज़ों का मतलब है जब हम हेल्थी फूड लेंगे ना, तो हमारी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी रहेगी नेक्स्ट टाइम की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।